हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चंडीगढ़ टीजीटी एग्जामिनेशन के बारे में। अभी अभी चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी साइट पर टीजीटी का कंप्लीट सिलेबस, डिफाइंड सिलेबस अपलोड किया है। इसके साथ साथ टीजीटी की जो एग्जाम डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। तो सारा का सारा अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरी पीडीएफ के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपका एग्जाम कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम जो है कौन सी तारीख को है, किसका क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस बस मैं आपको एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस बता दूंगी एंड देन आप क्या करेंगे, वहां पर साइट पर जाएंगे, साइड में एक ऑप्शन होगा जिसमें टीजीटी की कंप्लीट डिटेल लिखी होगी, वहां पर क्लिक करेंगे और मैं आपको साइट पर जाकर भी बता दूंगी, आप वैसे डाउनलोड कर लीजिएगा अपना सिलेबस, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले तो एग्जाम डेट बता देती हूँ, एग्जाम डेट के बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के अलग अलग एग्जाम डेट दी गई हैं, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आप अपना जो भी एग्जाम डेट होगी उसको नोट कर लेना, या फिर आप एक बार देख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा आपका एग्जाम कब है। तो यहाँ टीजीटी सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 23/6/2024 संडे को एग्जाम होगा। ये छठे महीने में आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, रिलैक्स मोड में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका मतलब आपका एग्जाम जो है वो जून में होगा, तो अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है। यहाँ पर अगर हम टीजीटी सोशल साइंस की बात करते हैं, ये एग्ज़ाम भी 23 को है, तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम और यहाँ पर साइंस नॉन मेड वालों का एग्ज़ाम, दोनों का ही एग्ज़ाम 23 तारीख को है। एक का मॉर्निंग शिफ्ट में, एक का इवनिंग शिफ्ट में है। आगे भी ऐसे ही सभी एग्ज़ाम्स दिए गए हैं, एक दिन में दो एग्ज़ाम होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और एक इवनिंग शिफ्ट में होगा। टीजीटी साइंस मेडिकल की बात करेंगे तो 24 को है और टीजीटी हिंदी भी 24 तारीख को है, ये भी मॉर्निंग इवनिंग की शिफ्ट में है। पंजाबी एंड संस्कृत 25 तारीख को है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स 26 तारीख को है, म्यूजिक और फाइन आर्ट्स की बात करते हैं तो 27 तारीख को एग्जाम है, और टीजीटी होम साइंस और डीपी की बात करते हैं तो 28 को। तो ये अगर हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम की, तो ये 23 से लेकर आपके 28 तारीख तक एग्जाम चलेंगे, यानी कि 5 डेज तक आपके टीजीटी के एग्जाम हो जाएंगे और आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है, ठीक है। तो ये सभी के सभी एग्जाम अपने देख लेना आपका कौन सा एग्जाम कौन सी डेट को है। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो मैं आपको सिलेबस के बारे में भी बता देती हूँ। पहले मैं आपको एक डिफाइंड सिलेबस दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपका ये सिलेबस रहने वाला है। आप मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देख लेना। यहाँ पर मैंने ओनली सोशल साइंस का सिलेबस डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर जैसे सोशल साइंस में आपको पता है हिस्ट्री आती है, तो हिस्ट्री में आपके ये सारा का सारा दे रखा है। जैसे यहाँ पर मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्या रहा, 1857 रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये सारा आप देख लीजिएगा जो जो आपका सिलेबस है। जैसे ज्योग्राफी के बारे में दे रखा है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में दे रखा है, तो ये सारा आपका सिलेबस रहने वाला है। साथ साथ इसमें इकोनॉमिक्स भी है, तो एसएसटी में आपको ये चार पोर्शन में अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। ये हो जाता है आपका डिफाइंड सिलेबस। अगर इसके बाद मैं आपको साइट पर लेकर चलती हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि आपको सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखिए हम चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पर आ गए हैं। यहाँ से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से अपना सिलेबस, यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ लास्ट में आपको देखने को मिलेगा क्विक लिंक्स, इसके बाद लेटेस्ट अपडेट टीजीटी मास्टर या मिस्ट्रेस जो भी लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से ऊपर स्लाइड करनी है ये, और ये लास्ट में यहाँ ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ जितने भी टॉपिक दिए गए हैं आप यहाँ से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने से ही आपको सिलेबस नहीं मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ ये सिलेबस कैसे डाउनलोड होगा। यहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक पर जाना पड़ेगा। जब डाउनलोड लिंक करेंगे आप, देन आपकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, एंड कीप कर दीजिएगा तो आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप अपना एक जो भी सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको ये आपके लिए यूजफुल रही होगी ये वीडियो, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर हम कॉमन सेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो 150 मार्क्स का रहने वाला है, 150 मार्क्स में मैंने कॉमन सिलेबस आपको पहले भी बहुत बार बता दिया है, ये आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा 100 मार्क्स का, इसकी प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉमन सेक्शन की, तो कॉमन सेक्शन मैंने आपको बताया था 14 मार्क्स का रहेगा, इसके साथ साथ जैसे 50 मार्क्स का रहेगा, उसमें आपके तीन सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये आपके 14 मार्क्स के रहेंगे। इसके साथ साथ ICT रहने वाला है,
सॉरी मैंने यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड गलत बोल दिया था, आपका जो कॉमन सिलेबस रहेगा जो 14 मार्क्स का रहेगा उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस रहेगी, रीजनिंग रहेगी और मैथ्स रहेगा, तो ये सारा का सारा आपका 14 मार्क्स में रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी अलग से आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये आपका 12 मार्क्स का रहेगा, तो आपको अच्छे से करना है। आईसीटी आपकी 12 मार्क्स की रहेगी, इसके बाद आपके हिंदी इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज जो है वो 14 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक है। इसमें से 5 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 5 हिंदी के और 4 आपके पंजाबी के क्वेश्चन होंगे, ये टोटल रहेगा आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, आगे ऐसे ही आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, चैनल के साथ बने रहिए।